ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज परीक्षित जो वन में शिकार के लिए गए थे, जब उनको अत्यधिक प्यास लगी थी, वो थके हारे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी थकान बुझाने के लिए उन्होंने उस जंगल के अंदर में शमिक ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया। और जब शमिक ऋषि की तरफ से उन्हें कुछ भी जो है ना, उन्होंने उनका आदर किया, ना सत्कार किया, ना बैठने के लिए कहा, ना उनको एक ग्लास पानी तक पूछा, तो महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए। और क्रोध में आकर उन्होंने सोचा कि मुझे इस ऋषि को दंड देना चाहिए, क्योंकि राजा होने के नाते मेरी प्रजा जो मेरे अधीन में है, उसे ये समझ होनी चाहिए कि अतिथि का सत्कार किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए उस ऋषि को दंड देने के लिए उन्होंने एक मरे हुए सांप को उन ऋषि के गले में लपेट दिया और बाद में वो अपने राज्य की तरफ वापस लौट गए। महाराज परीक्षित इतने महान राजा थे, भगवान के इतने महान भक्त थे, ये हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि वो इतने सहनशील थे कि उनको इस प्रकार से क्रोध नहीं आना था, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी, भगवान की कुछ और योजना थी, जिसके अनुसार भगवान ये चाहते थे कि श्रीमद् भागवत इस भौतिक संसार में श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वो जो है इस भौतिक संसार में उसका जन्म हो। तो उसके कारण भगवान की इस योजना के अनुसार ये पूरी परिस्थिति भगवान की योजना के अनुसार ही थी। तो वापस जाने के समय में महाराज परीक्षित सोच विचार में लगे हैं कि क्या मैंने सही किया। अगर ये ऋषि एक प्रकार से दिखावट कर रहा था भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, और उसका असली कार्य क्या था कि जो एक गेस्ट आया है, जो अतिथि आया है, उसका आदर सत्कार वो नहीं करना चाहता था, तो उसके कारण वो जो है जानबूझ करके दिखावटी के रूप में भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके बैठा था। लेकिन उसका असली मकसद क्या था कि जो अतिथि आया है उसके बारे में कोई विचार नहीं, उसका कोई सत्कार नहीं, तो अगर मैंने उसके लिए किया है तो ये दंड उचित है। लेकिन फिर वो सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऋषि जो है असल में ही भगवान के ध्यान में बैठे हों और मैंने उनका इस प्रकार से जाकर के अपमान किया हो। तो ऐसा सोच विचार करते हुए अपने महल की तरफ वो वापस जा रहे थे। उसी समय में
शमिक ऋषि का पुत्र जो है, जो छोटे बालकों के साथ में खेल रहा था थोड़ी दूर पर, उसका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी को जब ये खबर, जब ये पता चला कि महाराज परीक्षित उनकी कुटिया में गए थे उनके पिताजी के पास में, और उन्होंने पूरा वृतांत जो है उनको पता लग गया, उन्होंने वहाँ पर जाकर के पानी मांगा और मेरे पिताजी ने जो है कुछ उसका जवाब नहीं दिया, उसका कुछ उत्तर नहीं दिया, और इसके कारण महाराज परीक्षित ने क्रोध में आकर के मेरे पिताजी का इस प्रकार से अपमान किया। तो अगर ये अनुभवी बालक होता, अगर इसके अंदर में थोड़ा भी अनुभव होता, तो ये बालक जो है ये दुष्टता ना करता कि महाराज परीक्षित के बारे में अपशब्द कहे, और अपशब्द के साथ में अपनी जो ब्राह्मण की जो उसकी थोड़ी शक्ति थी, ब्रह्मा का जो तेज था उसके पास में, उसका दुरुपयोग करे अगर उसके पास में थोड़ा अनुभव होता। लेकिन इसके पास में अनुभव नहीं था और ये बालक जो है सभ्य नहीं था। ये कली पुरुष के द्वारा इसके ऊपर प्रभाव था, उसके द्वारा वो प्रभावित था। तो उसके कारण अब ये जो इस ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी था, जब उसको ये पता चला कि मेरे पिताजी को इस प्रकार से जो है महाराज परीक्षित ने अपमानित किया है, तो हम देखेंगे कितने प्रकार के अपशब्द जो है वो महाराज परीक्षित के लिए प्रयोग करेंगे। तो श्रृंगी अपने उन बालकों के साथ में खेल रहा है और वहां पर उन बालकों के समक्ष में ही कहता है, वो कहता है, देखो ये जो महाराज परीक्षित है, जो आज का ये शासक है, इसकी दुष्टता को देखो, इसके पाप कर्म को देखो, कि ये जो क्षत्रिय हैं, इनका स्थान एक कुत्ते के बराबर है, इनका स्थान एक कौवे के बराबर है, और कुत्ता और कौवा उसको मालिक जो है, जो देता है खाने के लिए सेवक के रूप में, वो उसका भक्षण करता है। तो सेवक को सेवक की तरह रहना चाहिए, जो कुत्ता होता है वो दरवाजे के बाहर रहना चाहिए। ये हमने देखा है ना, कुत्ते को हम लोग रोटी डालते हैं, वो दरवाजे के बाहर रहता है। तो मालिक जब कुत्ते को रोटी डालता है, ऐसा नहीं कि कुत्ता, क्योंकि मालिक उसको खाना खिला रहा है, कुत्ता आकर के उसी थाली में मालिक के साथ में बैठ करके भोजन खाएगा, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। कुत्ता कुत्ता होता है, मालिक मालिक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार की घोर तुलना ये श्रृंगी कर रहा है। इतना ये जो है इसके पास में बिल्कुल अनुभव नहीं, बिल्कुल असभ्य बालक। तो किस प्रकार की तुलना महाराज परीक्षित की वो कर रहा है। महाराज परीक्षित जिनको बताया जाता है महाभागवत, उनकी तुलना वो एक कुत्ते से कर रहा है, एक कौवे से कर रहा है। तो एक प्रकार से देखें तो क्षत्रिय का कार्य जो है वो निगरानी रखने का होता है, वो वॉच डॉग की तरह है, उसके राज्य में क्या हो रहा है हमेशा वो सतर्क रहता है, जैसे कुत्ता सतर्क रहता है। लेकिन इस प्रकार की तुलना कि महाराज परीक्षित एक कुत्ते की भांति है और हम मालिक हैं, मेरे पिता जो हम लोग जो ब्राह्मण हैं हम मालिक हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो कुत्ते के बराबर हैं। तो वो कह रहे हैं कुत्ते को अपनी औकात समझ करके बिल्कुल डोर के पास में, दरवाजे के पास में रहना चाहिए था। परीक्षित महाराज की इस शासक की हिम्मत कैसे हुई कि घर के अंदर में, अपने मालिक के घर के अंदर में घुसे। तो कह रहा है कि ब्राह्मण मालिक है, क्षत्रिय उसके सेवक के बराबर है, जैसे कुत्ता जो है
सेवक के बराबर है, उसको बाहर ही रहना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो घर के अंदर में घुसे, अपने मालिक के जो है साथ में बैठ करके वो सोच रहा है कि वहां पर अंदर आकर के पानी मांगे। उनकी हिम्मत इस प्रकार से कैसे हुई? तो इससे हम देख सकते हैं, इसका कोई डाउट नहीं, इसका कोई संदेह नहीं है कि शमिक ऋषि एक महान ऋषि थे और उनकी निगरानी में उनका जो ये बच्चा था श्रृंगी, उसका पालन पोषण, उसकी ट्रेनिंग सब वहीं पर हुई थी। और क्योंकि ब्रह्मचार्य में जो है उसकी इस प्रकार से ट्रेनिंग हुई थी, उसके पास में थोड़ी शक्तियाँ थी, उसके पास में ब्राह्मण का वो तेज था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से श्रृंगी के द्वारा उस ब्रह्म तेज का दुरुपयोग किया गया। पहला ये हम समझ सकते हैं। दूसरा, श्रृंगी ही कलयुग में वो पहला ब्राह्मण का पुत्र था जिसके द्वारा ब्राह्मण जो है वो पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का हेड माना जाता है। क्वालिफाइड जो ब्राह्मण होता है, असभ्य ब्राह्मण नहीं, ये बिना अनुभव वाला ब्राह्मण नहीं। तो ये हम देख सकते हैं कि पहले तो उसने शक्ति का दुरुपयोग किया। इतने महान राजा, इतने एक छोटे से कुछ अपराध के लिए, छोटी सी गलती के लिए इतने भद्दे शब्दों का दुरुपयोग करना और बाद में उनको शाप देना, मृत्यु दंड का शाप देना, ये कहाँ का न्याय है हम देख सकते हैं। तो पहला हम देख सकते हैं उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जो उसके पास में शक्ति थी। दूसरा हम देख सकते हैं श्रृंगी के द्वारा ही ब्राह्मण जो ऊंचे पद पर होता है और क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो नीचे के पद पर होते हैं वर्णाश्रम के सिस्टम के द्वारा, अब ब्राह्मण जो है कब से नीचे के जो वर्ण के जो लोग थे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको नीच की तरह देखना उसने प्रारंभ किया श्रृंगी के समय से। देखिए ये हम देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण जो है क्षत्रियों के साथ में मिल करके भगवान की सेवा में लगता था, वो क्षत्रियों को सलाह जरूर देता था, लेकिन क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है मैं उच्च हूँ ये सब नीच हैं। जैसे आजकल हमने देखा है ना, थोड़े साल पहले की बात है, ब्राह्मण अपने जो है अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि नीच की छाया भी मेरे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। ये कहाँ से प्रारंभ हुई इस प्रकार की जो है भेदभाव की ये प्रथा, कहाँ से प्रारंभ हुई? श्रृंगी से प्रारंभ। अन्यथा ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, सब भगवान की सेवा में लगे हैं, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तो श्रृंगी से ही ब्राह्मण की सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। श्रृंगी से ही ब्राह्मण की सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। देखिए कैसे पतन हुआ। पहले जो है ब्राह्मण को ब्राह्मण तब समझा जाता था जब उसके पास में ब्राह्मण के गुण हो, जब उसके पास में ब्राह्मण के लक्षण हो, जब वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा हो। लेकिन देखिए अब श्रृंगी से जब शुरुआत हुई तब कर्म भी चला गया, तब लक्षण भी चले गए, चरित्र भी चला गया, गुण भी चले गए। तुम्हारे पास में गुण क्यों ना हो ना या होना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम ब्राह्मण का काम कर रहे हो या ठेला चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, ये कलयुग के लक्षण है। देखिए भाई ये कौन सा, ये कहाँ से हम लोग जो है समझ सकते हैं। एक मेडिकल जो डॉक्टर होता है
उसका बेटा, उसको भी अच्छी सुविधा है डॉक्टर बनने की, लेकिन बिना क्वालिफिकेशन के अगर वो कहना प्रारंभ कर दे मैं भी डॉक्टर हूँ, ये तो सही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण के अंदर में ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसको सुविधा है ब्राह्मण बनने की, और ये सुविधा श्रृंगी के पास में भी थी, लेकिन उसने जो है इस प्रकार की सभ्यता नहीं सीखी, और जो थोड़ा उसने प्रैक्टिस किया उसके पास में जरूर जो है कुछ शक्तियां जरूर थी, लेकिन वो फिर भी असभ्य था और उसके पास में अनुभव नहीं था ब्राह्मण का। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण का पतन प्रारंभ हुआ, वर्णाश्रम का पतन प्रारंभ हुआ श्रृंगी से। अगला हम ये समझ सकते हैं कि कली पुरुष वेटिंग में था, प्रतीक्षा में था, कब मुझे महाराज परीक्षित के राज्य में जगह मिल जाए अंदर जाने के लिए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने उसको 4 जगह मात्र दी थी और जहां पर सोना रहता है, अब वो प्रतीक्षा में है। तो अब जो है इस ब्राह्मण के बेटे के थ्रू अब उसको जो है ये अवसर मिल गया अपने लक्षण प्रदर्शन करने का। तो अब जो है आगे की कथा में वो कैसे बढ़ेगी उसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 square feet मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।